हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का सीरेटिव डॉक्टर और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन लीवर से रिलेटेड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन के बारे में जिसका नाम है लीवर सिरोसिस। आई होप आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं लीवर सिरोसिस के। बहुत ही आम प्रॉब्लम ये हो गया अभी के कंडीशन में, अभी के समय में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी लीवर सिरोसिस के हर एक पहलू को समझेंगे कि ये लीवर सिरोसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हमें लीवर सिरोसिस में, और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अंततः जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्या लीवर सिरोसिस को हम ठीक कर सकते हैं, क्या इसका कोई इलाज है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। आज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की डिस्कशन की तरफ। लीवर सिरोसिस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे लीवर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर में। तो लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जिससे कि बहुत सारा काम होता है। स्पेशली हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ टॉक्सिसिटी है, किसी भी तरह का ड्रग का टॉक्सिसिटी है, किसी भी तरह का ड्रग का एक्शन है, कि कोई भी दवाइयां हम लेते हैं, तो वो सभी कहीं ना कहीं जाकर हमारे लीवर पर इफेक्ट करता है, और लीवर उन सभी टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो लीवर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर में। अब किसी कारण से अगर हमारे लीवर का फंक्शन गड़बड़ा जाए, लीवर का फंक्शन सही से ना हो पाए, तो बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं हमारे शरीर के अंदर में। यहां पर हमारा डिस्कशन है लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस के बारे में अगर हम समझें, तो आमतौर पर क्या होता है कि हमारे शरीर में कहीं भी कुछ खरोच लग गया, कहीं भी कुछ चोट लग गया, तो हमारा शरीर उस खरोच को, उस चोट को खुद से रिकवर करता है, उस घाव को खुद से हील करता है, ठीक है। हम जो दवाइयां देते हैं किसी भी घाव को हील होने के लिए, किसी भी खरोच को ठीक करने के लिए, तो वो तो हम बस बूस्टअप करते हैं हमारे शरीर को, बाकी पूरा का पूरा काम तो हमारा शरीर ही कर रहा है। तो जब कभी भी किसी घाव को, किसी वुंड को, किसी खरोच को हमारा शरीर खुद से हील करेगा, तो वहां पर एक निशान आ जाता है जिसे हम स्कार कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह लीवर पर जब रिपीटेड इंजरी हो, लीवर पे बार बार इंजरी हो रहा है और उस इंजरी को हमारा बॉडी खुद से हील कर रहा है, उस हीलिंग के कारण लीवर के ऊपर में स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, और उस स्कार को ही हम सिरोसिस बोलते हैं। बेसिकली बार 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 जब हमारे लीवर पर इंजरी होगा, रिपीटेड इंजरी होगा लीवर पे, तो बार बार स्कारिंग होगा, बार बार स्कार का फॉर्मेशन होगा, और उस रिपीटेड स्कारिंग के कारण हमारा जो लीवर है उसके फंक्शंस कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस स्कारिंग के कारण हो सकता है लीवर का सेल्स डैमेज हो जाए, लीवर के कुछ फंक्शंस, लीवर के पोर्टल वेन्स, लीवर के जो ब्लड सप्लाई है उनके अंदर दिक्कत आ जाए। तो बेसिकली स्कारिंग के कारण लीवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और जब बहुत ज्यादा स्कारिंग होने लगे हमारे लीवर पे, उसी कंडीशन को हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो बेसिकली बात यही है कि लीवर पे बार बार रिपीटेड इंजरी हो रहा है, और इंजरी को हील करने के कारण जो स्कारिंग हो रहा है, उस स्कार को ही हम लीवर सिरोसिस कह सकते हैं। अब अगर बात करें कि ये क्यों होता है, लीवर सिरोसिस होने का कारण क्या है, तो अभी के समय में मुख्यतः जो सबसे कॉमन कारण हमें दिखता है वो हमें अल्कोहलिज्म दिखता है। हाई अल्कोहल इंटेक, बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक के कारण हमें लीवर सिरोसिस दिख सकता है, क्योंकि अल्कोहल हमारे लीवर को डैमेज करता है, बार बार लीवर के ऊपर जाकर इंजरी होता है, और इस इंजरी को हील करने के चक्कर में लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो एक तो सबसे मुख्य कारण हमारा अल्कोहलिज्म है अभी के समय में। अल्कोहलिज्म के अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी डिटरमाइंड होते हैं लीवर सिरोसिस में। अगर फैमिली हिस्ट्री है लीवर सिरोसिस का घर में, तो चांसेस रहते हैं कि आने वाले बच्चे में, आने वाले जो भी लोग हैं उनमें लीवर सिरोसिस दिख सकता है। इसके बाद कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस के कारण हो सकता है, हेपेटाइटिस अगर किसी बंदे में है तो उस कारण से हमें लीवर सिरोसिस दिख सकता है, क्योंकि वहां भी हमारा लीवर डैमेज होता है। देन फिर हिपैटोमिगैली के कारण हो सकता है, यानी कि लीवर का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उस कारण दिख सकता है। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, फैटी लीवर के कारण दिख सकता है। जनरली हम देखते हैं क्या कि फैटी लीवर और हिपैटोमिगैली जब साथ में होता है, या फिर फैटी लीवर का ट्रीटमेंट करना हो, तो ये कॉम्प्लिकेट होकर धीरे धीरे लीवर सिरोसिस भी डेवलप कर सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है हमारे बॉडी में लीवर सिरोसिस के होने का। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा एक कंडीशन है जिसे हम विल्सन्स डिजीज कहते हैं। विल्सन्स डिजीज में क्या होता है कि हमारे लीवर पर कॉपर जमा होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में भी लीवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक कंडीशन है जिसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं,
उस कंडीशन में भी हमें ये लीवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। तो ये सब कुछ कारण है जिनके कारण हम लीवर सिरोसिस देख सकते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर में। अब अगर लक्षण के बारे में बात करें कि क्या लक्षण दिख सकता है, तो देखिए लीवर सिरोसिस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। अब ये चार स्टेज जो है, इन चारों स्टेज में सिम्टम्स अलग अलग हो सकता है, सिम्टम्स वैरी कर सकता है। पर अगर इनिशियल स्टेज के बारे में बात करें कि शुरुआती में लक्षण क्या दिखेगा हमें, शुरुआती लक्षण क्या होगा, तो जनरली इनिशियल स्टेज में लक्षण नहीं दिख सकता है, या दिखेगा भी तो वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है, नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं। नॉन स्पेसिफिक लक्षण कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि कुछ ऐसा लक्षण आएगा जिससे हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते कि ये लीवर सिरोसिस का ही लक्षण है। नॉर्मल आम सा कुछ, बहुत नॉर्मल सा कुछ सिम्टम्स आएगा, हल्का फुल्का पेट दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का भूख नहीं लगेगा, ठीक है, इस सब टाइप का कुछ लक्षण दिखेगा हमें, पर इन लक्षणों के बेसिस पर हम ये जज नहीं कर सकते कि पर्सन में लीवर सिरोसिस है। तो दीज ऑल आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, और काफी सारे केसेस में तो इनिशियल स्टेज में कुछ सिम्टम दिखता भी नहीं है, टोटली एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स हमें दिखते हैं, उन सिम्टम्स में सबसे पहला हमारा नौजिया, वोमिटिंग, हमारे पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा तो हमारे पेशेंट में थकान बहुत ज्यादा होगा, फटीग दिखेगा, टायर्डनेस दिखेगा, पेशेंट बहुत जल्दी थक जाएगा कोई भी काम करते करते, पेशेंट के मुंह और पेशेंट के नाक से खून आ सकती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में जाने पर खून की उल्टियां आ सकती हैं, और इसमें पेट दर्द तो ऑब्वियसली पेट दर्द इसमें दिखेगा, थोड़ा मोरा मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लाइट मेमोरी लॉस हो सकता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे लीवर क्या करता है, बॉडी के टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई करता है। अब अगर लीवर ही फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसे उस टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ेगा और इसके कारण हमें हिपेटोइंसेफलोपैथी दिख सकता है, हमारे ब्रेन में कुछ अबनॉर्मलिटीज दिख सकता है। खैर ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में दिखता है। इसके बाद जो सबसे कॉमन और सबसे एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वो है कि हमारे पेशेंट के पेट में पानी भर सकता है। धीरे धीरे क्या होगा कि पेशेंट का एब्डोमिनल एरिया स्वेल करने लगेगा, फूलने लगेगा, जब अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाएंगे तो फिर वहां पे पता चलेगा कि पेट के अंदर पानी है, उस पानी को हमें निकालना पड़ता है। तो ये सब सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स में। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं, ये लीवर सिरोसिस किस हद तक कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस में हमें इसमें जो हमें लीवर के पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन बेसिकली जो कि खराब, जो कि गंदे खून को आगे लेकर जाता है, तो बेसिकली पोर्टल वेन है, जो भी ब्लड सप्लाई है हमारे लीवर का वो डिक्रीज हो सकता है, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम दिख सकते हैं, लीवर कैंसर हो सकता है हमें इस कंडीशन के कारण। उसके बाद अभी मैंने बताया हिपेटोइंसेफलोपैथी दिख सकता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा, बॉडी में बॉडी टॉक्सिक हो जाएगा, हमारे ब्रेन में कुछ एबनॉर्मलिटीज दिख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशन दिख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंस आना, पीरियड्स में डिस्टरबेंस आना, ये भी एक कॉमन सिम्टम है, ये भी कॉमन कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं इसे हम लीवर सिरोसिस का। अब इसके बाद इसका डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि कैसे हम डायग्नोस करते हैं लीवर के सिरोसिस को, लीवर को कैसे डायग्नोस करते हैं, तो इसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग हो जाएगा और एक हमारा पैथोलॉजिकल फाइंडिंग हो जाएगा। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम क्या करा सकते हैं, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, हम फाइब्रोस्कैन करा सकते हैं। फाइब्रोस्कैन से हमें कंप्लीट स्कारिंग का इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि किस हद तक स्कारिंग हो चुका है और कितना स्टेज पर हमारा पेशेंट है अभी, ठीक है। इसके बाद हम ब्लड टेस्ट के थ्रू कुछ टेस्ट ले सकते हैं, हम लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं ये जानने के लिए कि हमारे लीवर का जो फंक्शन है वो कैसा चल रहा है, हमारा लीवर फंक्शन सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और अगर फंक्शन डिमिनिस्ड है तो किस लेवल तक डिमिनिस्ड है, तो LFT कराकर देख सकते हैं हम। इसके बाद लीवर बायोप्सी करा सकते हैं, इससे हम कैंसर के तक पहुंच सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है और किस हद तक डैमेज है लीवर, इन सभी को जानने के लिए। इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें और मैनेजमेंट के बारे में बात करें, तो जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि क्या लीवर सिरोसिस ठीक हो सकता है, तो इसका जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। लीवर सिरोसिस इज अ परमानेंट डैमेज टू द लीवर, लीवर सिरोसिस एक परमानेंट डैमेज है लीवर पे, इसे हम वापस से पहले जैसा नॉर्मल बिल्कुल नहीं कर सकते। सो लीवर सिरोसिस को नॉर्मल कर पाना इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, पर इसे हम मैनेज कर सकते हैं कुछ हद तक। अगर प्रिवेंशन के बारे में बात करें, हम प्रिवेंट करने के बारे में बात करें कैसे मैनेज करेंगे, तो हमें सबसे पहले अपना डाइट हमें सुधारना होगा, क्योंकि अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हो तो उसे कंट्रोल करना होगा, उसे रोकना होगा। अगर आपको लीवर सिरोसिस हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी अल्कोहल इंटेक नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम कुछ दवाइयां इसमें चलाते हैं जिससे कि हमारे लीवर का फंक्शंस नॉर्मल हो सके,
थोड़ा फंक्शंस एक लेवल तक हम मैनेज कर सके, क्योंकि ओवरऑल इसमें मैनेज ही कर सकते हैं हम, स्कारिंग को वापस नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन हुआ लीवर सिरोसिस के बारे में। अगर आपको इसमें और कुछ डिटेल जानना है तो बताइएगा, मैं एक अगले वीडियो में फिर से इसके ट्रीटमेंट पर डिटेल्ड वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें हम कैसे ट्रीट और कैसे मैनेज कर सकते हैं ये बताऊंगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी दिक्कतें हैं तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू ऑल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बी हैप्पी एंड बी सेफ।